स्वागत है श्रोता आप सभी का। आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज़ ब्रजवाणी पर मुझे यानी राखी को। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, आज मैं हूँ संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय में, जहाँ पर आज हो रही है ब्रज की खोज, जहाँ पर सिंगिंग कॉन्टेस्ट हो रहा है। और हमने बहुत सारे बच्चों से बात की। अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कविता शर्मा, जो कि आज की जज हैं इस सिंगिंग कॉन्टेस्ट की। डॉक्टर कविता शर्मा PhD इन म्यूज़िक हैं, साथ ही क्लासिकल और लाइट म्यूज़िक आती हैं वो, और अभी प्रेजेंट में स्कूल में एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो मैम, जो ऑडिशन चल रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है, बच्चों में जो प्रतिभाएँ हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी। आज के इस ब्रज की खोज सिंगिंग कॉम्पिटिशन में, जो आगरा के संत रामकृष्ण कॉलेज में किया जा रहा है, उसमें लगभग आज 100 के आसपास के पार्टिसिपेंट्स आए हैं ऑडिशन के लिए, और उसमें से काफ़ी अच्छे पार्टिसिपेंट्स हमें मिले हैं, जिससे जो इस जो कंपटीशन का जो लक्ष्य है कि हमें अच्छे अच्छे प्रतिभाओं को, अच्छे अच्छे टैलेंट को खोजना है, तो मुझे लगता है जहाँ तक काफ़ी हद तक वो हम पूरा कर सकेंगे। आज के ऑडिशन में हर उम्र के लोग थे, बच्चे भी थे, मिडिल एज के भी थे, ओल्ड एज के भी लोग थे, तो सबसे ज़्यादा प्रतिभा आपको किन में दिखाई दी? बच्चों में और ओल्ड एज और जो मध्य एज के ग्रुप के लोग थे, सभी में था, लेकिन जो ज़्यादा मात्रा में जो थे वो टीनेजर्स, यहाँ ज़्यादा दिखे मुझे। टीनेजर्स ज़्यादा दिखे, और जो ओल्ड लोग हैं वो कम थे, और बच्चे भी कम ही थे। जी जी। तो बच्चों ने जो सॉन्ग सिलेक्शन किया, क्योंकि हम बच्चों से जब लगातार हम बात कर रहे थे, तो किसी ने ज़्यादातर सभी लोग ओल्ड सॉन्ग चूज़ कर रहे थे, और शायद वो क्लासिकल थे जो काफ़ी टफ होते हैं, तो क्या वो उन सॉन्ग्स को गाने में खड़े उतर पाए, क्योंकि उनको गाने के लिए बहुत प्रैक्टिस और बहुत राग संगीत की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तालों की। तो आपको क्या लगता है, वो उस उम्मीद पर खड़े उतरे? नहीं, जहाँ तक है मेरा कि यहाँ पे जितने भी टीनेजर्स बच्चों ने गाया, उसमें ज़्यादातर ओल्ड गाने नहीं, नए गाने ज़्यादातर सेलेक्ट किए। पुराने भी थे, लेकिन जो मात्रा थी वो ज़्यादातर नए गानों की थी। ओल्ड भी काफ़ी बच्चों ने गाए थे, जैसे मेरे ढोलना दो लोगों ने गाया था, और मुँह से छल किए जाए भी एक लड़की ने गाया था, तो काफ़ी हद तक अच्छा गाने की कोशिश की थी, लेकिन जितना परफेक्शन चाहिए इस लेवल पे आने के लिए, उतना अभी शायद उनमें नहीं है। उसको हम आगे अच्छा बेहतर बनाने के लिए जो कोचिंग्स वगैरह उनको दे सकते हैं, उसके लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन अभी फर्स्ट ऑडिशन राउंड में वो उतना निखार उनमें नहीं था। तो क्या आप बच्चों को थोड़ा सा टिप्स देना चाहेंगे कि आगे अगर जो बच्चे नेक्स्ट ऑडिशन के लिए जाएंगे, तो वो आगे किस तरीके की तैयारी करके आएँ? देखिए, मेन तो क्लासिकल बेस होता है किसी भी चीज़ को गाने के लिए, चाहे वो सुगम संगीत गाएं, चाहे वो नई फिल्म का गीत गाएं, तो बेस में उसका क्लासिकल होता है, तो क्लासिकल के बेस को ही ज़्यादातर बच्चों को तैयार करना चाहिए। उसके लिए शास्त्रीय संगीत की जो नींव है वो उसको सीखना चाहिए, खर्च का रियाज करना चाहिए। अभी एक बच्चे से हमने सरगम सुनी थी, तो वो सरगम भी शायद उसको ठीक से नहीं आ पाई थी, तो जब हमें बेसिक अलंकार, बेसिक सरगम पर ही पकड़ नहीं होगी, स्वरों पर मजबूत पकड़ नहीं होगी, तो हम किसी भी गाने को उसमें अच्छी तरह से नहीं गा पाएंगे, मेरा ये सोचना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ब्रजवाणी की तरफ से, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ब्रज क्षेत्र के जितने भी आर्टिस्ट हैं, उभरते कलाकार हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, और आगे यही उम्मीद करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म और आगे तक जाए। आगे एक मैसेज और मैं आपसे चाहूँगी कि आप क्या मैसेज देंगी पूरे आगरा की जनता को म्यूज़िक के रिगार्डिंग? मैसेज यही देना चाहूँगी कि संगीत एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि बहुत ज़्यादा समर्पण की आवश्यकता होती है, तो अगर हम संगीत को सीखना चाहते हैं और वो फीलिंग लाना चाहते हैं, यानी हम रस निष्पत्ति अगर अपने संगीत के माध्यम से करवाना चाहते हैं, तो हमें क्लासिकल म्यूज़िक पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसी के डीप प्रयास से ही हम आगे अपना भविष्य में अपने आप को और बेटर बना सकते हैं, और उसमें निखार ला सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू।